नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्षा इस यूट्यूब चैनल पे। और यूपी पेट का जिस तरह से एग्ज़ाम जो है अब आपका बहुत करीब है और उसी क्रम में हिंदी जो है चल रहा था, थोड़ा सा इधर वीडियो नहीं रेगुलर पढ़ पा रही थी क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था। बट अब जो है बहुत तेज़ी से वीडियो पढ़ेंगे और चीज़ें मैं बहुत तेज़ी से यहाँ कंप्लीट करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ में मैं यहाँ पर बताऊँगा, बहुत तेज़ी से कंप्लीट करूँगा। और इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो पेट में हिंदी के जो भी पेट के खासकर टॉपिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा, मतलब कि टाइमिंग बढ़ा दूँगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा कर दूँगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा ताकि फिर जो है कुछ टेस्ट भी लास्ट तक हम मतलब हिंदी के करा पाएँ। तो मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा और मैं कर भी लूँगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से नहीं हो पा रहा था तो उसके लिए हम सॉरी कहेंगे, बट अब रेगुलर होगा वीडियो तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को जो है ध्यान से देखेगा और नोट डाउन करते रहिए, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से क्या होगा कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को कवर कर पाएंगे और चीज़ें जो है कंप्लीट भी इजीली हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम तो क्या है और क्या चीज़ें हैं पहले समझेंगे इसको, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या क्या परीक्षा उपयोगी प्रश्न कैसे आते हैं, सब चीज़ें जानेंगे। तो देखिएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर कोई कहे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भावों का नाम है, संज्ञा है ना, नाउन जिसे बोलते हैं। अच्छा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। UP SSC पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है। पूछेगा कि संज्ञा का निम्न में से कौन सा भेद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए भेद कितने हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं आइए समझते हैं। पहला है जातिवाचक, ठीक। नंबर 2 है व्यक्तिवाचक। नंबर 3 है भाववाचक। नंबर 4 है द्रव्यवाचक। और नंबर 5 है समूहवाचक, ठीक है। तो 5 भेद कौन कौन से हैं, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये मतलब संज्ञा के भेद 5 कौन कौन से हैं, तभी आप यह आराम से एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो अब आइए 1 बाय 1 हम इजीली सबको समझेंगे और साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी प्रश्न को देखेंगे भी। तो सबसे पहला है जातिवाचक। तो जातिवाचक मतलब होता है कि ऐसा संज्ञा जो जातिवाचक हो, पर्टिकुलर जो है जाति को इंडिकेट कर रही हो, है ना, मतलब कि जिसका नाम लेने पर हमको उस नाम की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पर्वत, जैसे ही नाम पर्वत का आता है वैसे ही दिमाग में आपके तुरंत आता है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी पर्वत हैं, चाहे वो नवीन मोड़दार हों, चाहे अवशिष्ट पर्वत हों, चाहे जो भी पर्वत हों, संपूर्ण विश्व के पर्वतों का बोध होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। जैसे और भी एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, जैसे मानव, जैसे ही मैंने मानव वर्ड का प्रयोग किया, इस विश्व में संपूर्ण मानव जाति का बोध हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा अभी वीडियो मतलब आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार जातिवाचक है क्या। इसी तरह अगर मैं आप बात करूँ पुरुष की, तो जैसे ही मैं पुरुष बोलता हूँ संपूर्ण पुरुष जाति का बोध हो जाता है। यानी कि ये जाति है, मतलब कि नाम लेने पे संपूर्ण जाति का जहाँ बोध हो जाए वहाँ पे वो जातिवाचक होता है। चलिए अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक की। वीडियो पूरा देखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। व्यक्तिवाचक की मैं बात करूँगा, क्या होता है व्यक्तिवाचक। देखिए वर्ड से ही जहाँ स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक मतलब कि यहाँ पे व्यक्ति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं व्यक्ति का कैसे बोध होगा। जैसे मैं आपको तुलनात्मक रूप से समझाऊंगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से तो संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रपति का बोध होगा, ये तो जातिवाचक हो गया। बट अगर मैं आपसे किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्रपति का नाम लूँ,
है ना, क्या बोलूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद 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 रामनाथ कोविंद। तो इससे क्या आपको स्पष्ट हो रहा है, देखिए राष्ट्रपति तो एक जातिवाचक हो गया, बट अगर राष्ट्रपति का अगर मैं नाम लेता हूँ रामनाथ कोविंद, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये संज्ञा कैसी हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, यानी किसी का नाम, चाहे जैसे मान लीजिए राधा, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, मोहन व्यक्तिवाचक है, राकेश, मतलब जहाँ पे हमको व्यक्ति का बोध हो वहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। चलिए आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ। तीसरा है आपका भाववाचक, मतलब भाव जहाँ पे फीलिंग्स हो, जहाँ पे भाव निकल करके आ रहा हो, जैसे हम मान लीजिए कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें आपको ये लगेगा कि कोई ना कोई फीलिंग्स, कोई ना कोई भाव निकल करके आ रहा होता है, वहाँ पे भाववाचक होता है, भाववाचक है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा भाववाचक में, जैसे मैं आप बात करूँ मनुष्यता, मनुष्यता है ना, तो मनुष्य तो ठीक है, मनुष्यता क्या है इसमें, है ना, मानवता, दानवता, तो इसमें ता वर्ड जो ये जुड़ा है ये फीलिंग्स कहला रहा है, मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक फीलिंग्स को दर्शा रहा है, एक भाव को दर्शा रहा है। तो जहाँ पे ऐसा बोध होता है वहाँ पे कैसी संज्ञा होती है, भाववाचक होती है, ठीक है। ओवरऑल अभी मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है पेट में, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी में, पेट तो पहली बार हो रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ट्रिपल एससी में किस तरह के प्रश्न यहाँ से अराइज किए गए हैं। तीसरा, चौथा है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक मतलब जहाँ पे माप तौल का प्रयोग होता है वर्ड में, जहाँ पे शब्दों में आपको माप तौल का आभास होता है वहाँ पे द्रव्यवाचक होता है, जैसे 2 किलो गेहूं दो, है ना, 2 लीटर दूध चाहिए, यहाँ पे क्या है, ये मात्रात्मक जो वैल्यू है जहाँ पे दर्शाई जाती है वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, अर्थात ऐसी संज्ञा जहाँ पे मात्रात्मक चीज़ों का बोध हो रहा हो वहाँ संज्ञा कैसी हो जाती है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ता हूँ। समूहवाचक, समूहवाचक मतलब कि ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप बन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी बात होगी तो ग्रुप, ग्रुप में होगी, कैसी होगी, ग्रुप में होगी, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, है ना, ग्रुप, ग्रुप में कैसे होगी, तो आइए समझते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए गढ़, गढ़ है ना, नहीं कहते कि यार ये तो कहते हैं दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है वो विद्यार्थियों का गढ़ है ना, तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि गढ़ मतलब समूह होता है, मतलब वहाँ कई सारे विद्यार्थी एक समूह में रह के अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, देवताओं का गढ़ होता है, डाकुओं का गिरोह, जैसे गिरोह है तो जैसे नहीं डाकुओं की पूरा गिरोह जाता है, गिरोह पूरा मतलब लूटने जा रहा है कि गाँव लूट लेते हैं, जाते हैं तो ये गाँव लूट लिए, ये फला गाँव लूट लिया, है ना, गिरोह मतलब पूरा एक समूह जाता है, ग्रुप जाता है। तो यहाँ पे इन जैसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ हमको यह क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे कौन सी संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, समूहवाचक है। मंडली हो गई, गिरोह हो गया, है ना, बंचेस हो गए, गुच्छे हो गए, ये सब समूह को दर्शाते हैं। अब संज्ञा से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तो 2 क्वेश्चन बना हुआ है कि कितने भेद होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, इससे आपसे मतलब व्यक्तिगत पूछ लिया है कि जो पर्वत है वो किस तरह का संज्ञा है, है ना, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, क्लियर कट हिसाब है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे सर्वनाम की ओर, सर्वनाम क्या होते हैं, आइए पहले पढ़ते हैं इसको। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएँ उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको ध्यान देना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिस तरह से संज्ञा के 5 भेद होते थे उस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है निजवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, फिर है संबंधवाचक और फिर है प्रश्नवाचक। तो 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा
कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप 6 लगा लोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, निजवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, निश्चय होता है, संबंध होता है, प्रश्नवाचक होता है। अब आइए प्रयोग के आधार पर हम लोग समझेंगे कि इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है और यूपी SSSC में प्रश्न कैसे कैसे से पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों को समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ पीक पॉइंट मैं बताऊँगा, कुछ एक एक मतलब पॉइंट हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा याद करिएगा तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा निजवाचक की, तो निजवाचक में जहाँ पे सेंटेंस में आपको स्वयं और खुद जैसे वर्डों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता दिखे, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आप निजवाचक मार देंगे, है ना। देखिए तो जैसे यार ये काम मैं खुद ही कर लूँगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यह काम तो मैं खुद ही कर लूँगा। देखिए यहाँ पे खुद का बोध हो रहा है ना, जहाँ पे सेल्फ का बोध होता है और आपको लगे कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाया जा रहा है कि वह काम खुद ही स्वयं द्वारा ही किया जाए, तो वहाँ पे आप निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगला है पुरुषवाचक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब आइए 1 by 1 समझते हैं, उत्तम क्या है, मध्यम क्या है, अन्य क्या है। उत्तम पुरुष जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम थे ना, तो उत्तम मतलब कि उत्तम मतलब मैं, मतलब जो ऐसे ऐसी चीज़ें या ऐसा साइन जो आपकी ओर इंडिकेट करता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, मुझे, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपको इंडिकेट करती हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। मैं मतलब ये इंडिकेशन सिर्फ मेरे पर है, हम मतलब मैं, हम, मुझे, तो ऐसी चीज़ें जो होती उत्तम पुरुष के अंतर्गत आती हैं, है ना। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू, तुम, आप, मतलब कि मैं सामने वाले से बोल रहा हूँ कि तू, तुम, आप, मतलब सेकंड पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। अन्य पुरुष में यह, वह और वे, अन्य पुरुष में क्या होगा, यह, वह और वे होगा, यह होगा, वह होगा और वे होगा। चीज़ें क्लियर हो गई, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, उत्तम मध्यम अन्य। अब आप आराम से सेंटेंस का प्रयोग करके जान जाओगे। अगला है निश्चयवाचक। निश्चय मतलब कन्फर्मेशन होता है, निश्चय मतलब कन्फर्मेशन होता है, इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हम अन्य शब्दों में संकेतवाचक भी कहते हैं। यहाँ पर यह चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यह वह, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, मतलब मैंने कहा यह जो पुस्तक है, यह मोबाइल जो है, यह मेरी मोबाइल है, यह संकेत मैं दे रहा हूँ, यह मोबाइल मेरी है, कन्फर्म कर रहा हूँ यह मोबाइल मेरी है। निश्चय मतलब कि कन्फर्म हो जाता है कि मतलब जहाँ पे इशारा किया जा रहा है वो चीज़ मेरी ही है, ये कन्फर्म समझ लो, मतलब ये चीज़ें इंडिकेट किया जाता है। अनिश्चय मतलब होता है निश्चय का उल्टा, मतलब जो चीज़ कन्फर्म ना हो, है ना, वहाँ पे हम कोई और कुछ वर्डों का प्रयोग करते हैं, है ना, कोई आया होगा या कुछ संतरा, मतलब कुछ मतलब कि कुछ कपड़े दे दो, मतलब कितने कपड़े, कुछ क्लियर ना हो वहाँ पे, वहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाता है ना। संबंध में जो और सो का प्रयोग करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो का प्रयोग करते हैं, जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना, तो संबंध है ना, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब जो का संबंध करने और भरने से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक में क्या और कौन का प्रयोग होता है ना, जैसे कि कौन आया है, मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा है, कौन आया गेट पे, देखो कौन आया है, क्या ये कब हुआ, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुमने ये काम किया कि नहीं, मतलब क्या मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने यह कार्य पूरा किया कि नहीं, तो प्रश्नवाचक में क्या और कौन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो रेगुलर पड़ेगी, टेंशन अब लेने की आवश्यकता नहीं है, ये जो भी गैपिंग हुई उसको फिलअप कर लिया जाएगा, और इसी तरह मैं समूह ग्रुप में डालूंगा संज्ञा सर्वनाम, और वीडियो थोड़ा लंबा करके डालूंगा ताकि जल्द से जल्द जो है वीडियोस की पड़ जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।